हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक थोड़ा हैवी हो गया है वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं ये कहना चाहूँगी आज की वुमेन जो है वो मेन के बिना कुछ नहीं है। मैं खुद ये फील कर सकती हूँ शादीशुदा होने के बाद, तो आज की महिला बहुत स्ट्रांग है और बहुत इंडिपेंडेंट है। वुमेन में भी मेन आता है, तो आज वुमेन चांद पर पहुँच रही है पर उसके पीछे एक चांद ज़रूर है। तो आई डोंट थिंक के कोई भी वुमेन मैन के बिना एक आई थिंक इंडिपेंडेंट होती हैं, बट वो हासिल करना और उसमें किसी आदमी का किसी सुकून का साथ होना वो अलग ही बात है। तो मैं अब थोड़ा लाइट करती हूँ माहौल, औरतों पे लास्ट की बस थोड़ी लाइनें कहूँगी कि अभी वो 19 से 20 22 25 साल की उम्र होती है ना, जब वो कनक वो चमक होती है इश्क में, तो उस पर मैं बोलूँगी कि उसकी पलकें जब मेरे गालों से टकराएं तो क्या बताऊं उस रात कैसी नींद आई। वो मेरे गीत का संगीत है, वो मेरी नज्म का शेर है, वो मेरी मोहब्बत है, वो मेरा प्यार है, वो मेरे जज्बात का इजहार है। उसके बिना अधूरा है हर जश्न मेरा, वो मेरा महफिल दरबार है। मैं साथ लाई हूँ अपना महफिल दरबार। तो क्या होता है ना, फिर शुरू होती है ये 25 से 22 23 25 26 27 साल की उम्र, आधे प्यार की बिल्डिंग ढह जाती है ना। क्या आ जाता है, कंपैटिबिलिटी इशू। अब या तो वो प्यार से आएगा या परिवार की वजह से आएगा। तो वो जो परिवार वाले होते हैं वो ज़्यादातर सरेंडर कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक दो लाइनें इस पे कि सुना है निकाह कर रहे हो वक्त हो ज़रा तो मिलते जाना, सुना है निकाह कर रहे हो वक्त हो ज़रा तो मिलते जाना, कुछ यादें रखी थी जहन में तुम्हारी, आंखों से तुम वो थोड़ी लेते जाना। थैंक यू। अब जो रह गए जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो वियोग के लम्हे जो होते हैं, वो धमकियां होती हैं, अरे नहीं 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 साथ नहीं हो पाएगा हमारा। तो उसमें हिजर का मतलब मैं बता दूँ सेपरेशन है, तो दो लाइनें उस पर कहूँगी कि मत करा करो यूं हमसे तुम हिजर की बातें, मत करा करो हमसे यूं तुम हिजर की बातें, कि दिल का दौरा आने से पहले उम्र नहीं देखा करता। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं ये मानती हूं कि कोई भी औरत जो वायलेंस होता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फिजिकल हो, डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल हो या इमोशनल हो, दोनों ही वायलेंस बुरे हैं। और कोई भी वायलेंस अगर आत्मसम्मान और वो उस लड़ाई तक पहुंच जाता है, आपके अस्तित्व की लड़ाई तक पहुंच जाता है, तो बीच का समय जो होता है उसमें जो उसका मैं कहूँ सार होता है वो आपकी ढील होता है। पहली बार वायलेंस हो आवाज़ उठाइए, दूसरी बार के लिए वेट मत करिए। तो अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ से जाता है तो यकीन मानिए कि आपकी खुशनसीबी है, भगवान का आप पे हाथ है, तो उसको जाने दीजिए। तो उस पर मैं दो लाइनें कहूँगी, मेरी खामोशियों को मेरी बेबसी मत समझना है बशर, मेरी खामोशियों को मेरी बेबसी मत समझना है बशर, मेरे अल्फाजों में अभी आतिश बाकी है। मेरी खामोशियों को मेरी बेबसी मत समझना है बशर, मेरे अल्फाजों में अभी आतिश बाकी है। मेरी खुशी तेरी रुखसती में है अब, मेरी खुशी तेरी रुखसती में है अब, तेरी यादें तेरी महफिल सब एक तरफ, मेरे अंदर की औरत में अभी इतनी गैरत बाकी है। तो मैं मानती हूँ कि एवरी वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज शुड फील यंग एंड इंडिपेंडेंट एंड ब्राइट एंड शुड शाइन ऑलवेज शाइन ब्राइटली। तो उसमें कहूँगी मैं दो लाइन, वो जो मेरी खताओं का हिसाब रखते हैं ज़रा पूछो उनसे इतना क्यों रुबाब रखते हैं, वो जो मेरी खताओं का हिसाब रखते हैं ज़रा पूछो उनसे इतना क्यों रुबाब रखते हैं, आज है तो कदर नहीं हमारी, आज है हम तो कदर नहीं हमारी, आज भी हम किसी और का होने का शबाब रखते हैं। आप थोड़ा मैं सोचती हूँ औरतों पे बोल दूँ, आज हमारा दिन है। तो दो लाइनें, मर्द काम पे जाएगा तो वो पैसे लाएगा, औरत काम पे जाएगी तो वो भी धन कमाएगी, फिर बच्चे की जिम्मेदारी आएगी वो औरत पे पड़ जाएगी, फिर एक महिला दिवस आएगा वो बराबरी की बात कर जाएगा। अब बस मेरी लास्ट की पोएम कि उसमें हर औरत को डेडिकेटेड है, कोई एम्पावरमेंट कुछ इक्वालिटी किसी की बात नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आदमी औरत एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, कि उसमें सहने की क्षमता
बेशुमार ज्ञान है, उस पे सहने की क्षमता बेशुमार ज्ञान है, उसको क्या दे पाओगे तुम जो खुद सोने की खान है। दे सको तो एक नजर देना जिसमें एक सम्मान हो कि तुम सब हासिल कर जाओगी अगर तुम्हारे हौसलों में उड़ान हो। कि नहीं लगाना नारे तुम कि हम में क्या खास है, बस इतना कह देना आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। ये नहीं कहना औरत हो क्या कर पाओगी, बस इतना कह देना अरे तुम तो औरत हो तुम सब कर जाओगी। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया।